नमस्कार दोस्तों, हेल्थ कोच अजय चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त भाई अजय, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खांसी की दवा के बारे में, जो कि है पैंथोर सिरप। पैंथोर सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है। इसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह माइकोस को पतला करता है, जिससे इसे खांसी के माध्यम से बाहर निकालना आसान हो जाता है। इस दवा से बहती हुई नाक, छींक आना, गले की जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत मिलती है। इस दवा में क्या क्या शामिल? इस दवा में है क्लोरफेनी रेमाइन माइलेड 2 mg, अमोनियम क्लोराइड 100 mg और सोडियम साइट्रेट 50 mg। सामान्य परिचय। इस सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार इसे भोजन से पहले या बाद में लिया जा सकता है। इस दवा की डोज, आपकी कंडीशन और इस दवा से आपके रेस्पॉन्स पर निर्भर करते हैं। डॉक्टर द्वारा निर्धारित किए गए समय तक ही इस दवा का उपयोग करें। और याद रखें कि अगर आप पहले से या अन्य कोई दवा ले रहे हैं, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि वह दवाएं इससे या यह दवा उनसे प्रभावित हो सकती हैं। इस दवा के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट हैं एलर्जिक रिएक्शन और छक्के पड़ सकते हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप किसी भी साइड इफेक्ट से चिंतित हो या लंबे समय तक बने रहते हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और हाँ, इस दवा से नींद आ सकती है। इस दवा को लेने के बाद आपको आराम करना चाहिए और ऐसा काम न करें जिससे प्रभावित हो। इस दवा को लेने के बाद में आप ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिससे मानसिक फोकस की जरूरत हो। हमारा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। और अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।